बहुत बड़ा योगदान है। मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी बहुत सारा आयोजन समय समय पर इस जनपद में हो रहे। लाइव 24 न्यूज चैनल भी इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज इस प्रांगण में एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाला 19 तारीख जिस दिन ये मतदान होगा महाराजगंज में, हम सब मिलकर लोगों को जागरूक कर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का कार्य करेंगे। यहाँ का नागरिक बिना कोई लालच अपना मत का जो अधिकार एक लोकतंत्र देश में एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार वोट डालने का अधिकार, ये अधिकार का प्रयोग हम लोग करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ तमाम वक्ता उपस्थित है, हम सब उनकी बात सुनेंगे। मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हम लोग इस कार्यक्रम करने के पीछे हम लोगों का उद्देश्य है महाराज जनपद के आम नागरिक को जागरूक किया जाए और मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने में प्रशासन जितना कार्य कर रहे हैं और न्यूज चैनल भी उनके साथ कदम से कदम मिलकर इस मिशन को सफल बनाना है। इसलिए यहाँ जो भी जितने भी वक्ता हैं अपनी बात रखेंगे, इस भावना को ध्यान में रखकर अपने बात संक्षिप्त में जरूर रखेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। मैं बहुत खुश हूं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिल्ली से लाइव 24 के चीफ एडिटर प्रमोद ठाकुर साहब आए, अपना अमूल्य समय निकालकर व्यस्ततम समय में, चुनावी समय में काफी व्यस्त रहता है, और चीफ हमारे यूपी का हेड सुकृति दीक्षित जी भी समय निकाला इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों का ये सहयोग के लिए। और महाराजगंज में इस ऑफिस खोलने के पीछे का उद्देश्य, महाराजगंज में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं लेकिन जितना जगह नेशनल मीडिया इस जनपद का कवर को देना चाहिए कभी कभी नहीं दे पाता है। महोत्सव जैसा कार्यक्रम भी यहाँ हुआ, प्रमोद ठाकुर साहब से दिल्ली में हम लोग इस विषय पर बात किया, उन्होंने कहा जनरली बॉर्डर एरिया में विकास थोड़ा धीमा होता है लेकिन लाइट 24 अवसर देंगे इस सीमा क्षेत्र के जितने भी जनपद है, यहाँ जो भी ऐसा कार्य हो रहा है देश के विकास में उस जनपद को आगे बढ़ने के लिए, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे सामाजिक सेवा सेवक लोग हो, या देश हमारे जो है शासन प्रशासन के लोग हो, जो भी कार्य करेगा उसका जो है लाइव 24 न्यूज चैनल जगह देंगे। इस पूर्वांचल को आगे बढ़ाने में लाइव 24 पूर्ण रूप से साथ देंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। हम लोग इस ऑफिस इसलिए खुला है, यहाँ लोग आसानी से पहुंचेगा, जो भी खबर होगा दे देगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट संवाददाता रूम में आशीष सोनी जी है, वो भी काफी परिश्रम करते हैं यहाँ का सूचना यहाँ का खबर नेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए, दिल्ली तक पहुंचाने का प्रयास को भी करते रहते हैं। ये पूरा टीम मिलकर हमारा जनपद को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबका सहयोग वांछनीय है, अपेक्षित है, मुझे पूरा विश्वास है आप हम सब मिलकर इस जनपद को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, इस जनपद आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सर, जैसा कि अभी
सीजे सर के द्वारा बताया गया कि दो बातें महत्वपूर्ण है। एक और जहां मतदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य है, तो वही दूसरी ओर एक विमर्श का विषय यह भी है कि जन समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का जो दायित्व तो है वो अभी लाइव 24 के द्वारा हमेशा संभव होगा। ये एक उपलब्धि के रूप में हम लें और यह विश्वास रखें, यह उम्मीद रखें कि आने वाले समय जरूर इस मीडिया चैनल के माध्यम से हमारे दुखों का, हमारे समस्याओं का निदान होगा। एक और भी बेहतर भारत, एक और भी बेहतर और स्वस्थ भारत के निर्माण की एक नई परंपरा महाराजगंज से शुरू होगी, ये हम सब की अपेक्षा है। मीडिया की अगर मैं बात करूं तो मीडिया का जो काम है वास्तव में वो बहुत सारे चुनौतियों से भरा हुआ होता है। जब तक कि साउंड सिस्टम हेल्दी नहीं होती है, मैं अपने ही आप आपके सामने प्रस्तुत रखूंगा ताकि आने वाले जी धन्यवाद। तो मीडिया का जो कार्य है, एक संक्षिप्त कार्य, मैंने भी इस सेवा के अंतर्गत बिताया है, तमाम सारी अपेक्षाएं होती हैं। कुछ समझ लीजिए पॉलिटिक्स, हम सब लोग बैठ के यहां से हमारे जनप्रतिनिधियों की बहुत सारी समीक्षा करते हैं, यहां तक कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर आदमी किया है, उन लोगों की समीक्षा एक से दो लाइन में कर जाते हैं और इस बात की कल्पना नहीं करते कि जो आत्मा बैठा हुआ है, जिसकी हर हाल में यही इच्छा है हम एक बार सफलताओं के पथ पर लाइव 24 अग्रसर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चैनल के एमडी प्रमोद ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज में लाइव 24 के कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, महाराजगंज में लाइव 24 का उद्घाटन किया जा रहा है, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि महाराजगंज में लाइव 24 के कार्यालय का उद्घाटन समारोह चल रहा है और इस उद्घाटन समारोह में यूपी की ब्यूरो हेड भी उपस्थित हैं और चैनल के एमडी प्रमोद ठाकुर भी उपस्थित हैं। देश की सेवा के लिए कदम उठाना जरूरी है, जो लाइव 24 कर रहा है। लाइव 24 अपने अग्रसर होते पथ पर कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि महाराजगंज में लाइव 24 के कार्यालय का
उद्घाटन समारोह चल रहा है और अब महाराजगंज में भी लाइव 24 का कार्यालय होगा, जहां खबरों का पहुंचना आसान होगा और उन खबरों का लाइव 24 तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। एक नजरिया बनाया है लाइव 24 ने खबरों को प्रमुखता से दिखाने का, और इसी कड़ी में लाइव 24 अग्रसर होता जा रहा है और अब महाराजगंज में भी लाइव 24 का कार्यालय होगा। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यूपी की हेड सुकीर्ति दीक्षित और एमडी प्रमोद ठाकुर समारोह में मौजूद हैं। इसके पहले उन्हें गुलदस्ते भेंट कर उनका स्वागत किया गया था। लाइव 24 का एक ही नारा है, सच का साथ। सच का साथी है लाइव 24, और इसी को सिद्ध करते हुए लाइव 24 भारत में अपने आप को फैला रहा है चारों दिशाओं में, और इसी पहल में, इसी कड़ी में अब लाइव 24 का कार्यालय महाराजगंज में भी होगा, जहां खबरें आसानी से पहुंच पाएंगी और उसके बाद हम आपको वहां की खबरें प्रमुखता के साथ दिखा सकेंगे। और उनके विचारों को साकार या मूर्त रूप देगी वो सरकार। तो आप लोगों से ये मेरा आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक प्रयास करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस पर्व में, राष्ट्रीय पर्व मतदान का जो है उसमें शामिल करा सकें। और ज्यादा लंबा समय न लेते हुए मेरी तरफ से, महाराजगंज क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, महाराष्ट्र स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से तथा रोटरी क्लब महाराजगंज की तरफ से, मैं इस लाइव 24 ऑफिस के साथ साथ यहाँ के सभी जो लाइव 24 के लोग हैं उनको बधाई के साथ साथ इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और अब इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं आप सबके बीच से आमंत्रित करूंगा सरिता त्रिपाठी जी को, आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। मतदाता जागरूकता का जो यह विषय है, इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सादर आमंत्रित हैं सरिता त्रिपाठी जी। गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द ब्यूटी ऑफ एनी डेमोक्रेसी लाइज इन इट्स राइट ऑफ सफरेज। किसी भी लोकतंत्र की ब्यूटी, की सुंदरता वहां की जनता के वोट देने के मताधिकार पर, क्योंकि मताधिकार हमें इसकी आवाज पड़ा टीवी के देता है, तीन अवसर देता है। We can choose our leader। हम अपने पसंद का, जो हमारे मुद्दों को रिप्रेजेंट करे, उस नेता को चुन सकते हैं। We can change the leadership। अगर जिस लीडरशिप को हमने पहले चुना उसने अपने वादों को पूर्ण नहीं किया, वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरा, तो हमें एक अवसर मिलता है कि we can change that leadership। मताधिकार हमें एक करेक्टिव मेजर के रूप में मिला है। सरकारें अगर एनार्किस्ट हो जाती हैं, अराजक हो जाती हैं, तो हमारे पास तो अल्टीमेट पावर है। जनता के पास हम दिखा सकते हैं कि द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड। लाइव 24 सफलताओं के पथ पर अग्रसर है और इसी की वजह से आज लाइव 24 का कार्यालय अब महाराजगंज में भी होगा। महाराजगंज में खबरें पहुंचेंगी और खबरें हम आपको दिखाएंगे प्रमुखता के साथ। लाइव 24 का बस एक ही नारा है, सच का साथी। जो सच है वो आप तक पहुंचाया जाएगा। राजनीति की नगरिया में डगरिया कठिन है,
लेकिन लाइव 24 के लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चुनावी माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल में महाराजगंज में एक कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है ताकि खबरों को प्रमुखता से आप तक पहुंचाया जा सके। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि लाइव 24 के उद्घाटन समारोह में एमडी प्रमोद ठाकुर मौजूद हैं, साथ ही यूपी की ब्यूरो हेड भी मौजूद हैं। तो देश की सेवा के लिए कदम उठाना बहुत ही जरूरी है और लाइव 24 इन्हीं कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन अब मीडिया समाज का दर्पण बन गया है और समाज में क्या कुछ चल रहा है ये दिखाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समाज में चलने वाली चीजें आपकी जीवन पर भी प्रभाव डालती हैं। खबरें मिलेंगी महाराजगंज से और ब्रॉडकास्ट होंगी हमारे नोएडा ऑफिस से, जो आप तक पहुंचेंगी सीधे, और ये खबरों की जो डगरिया है वो कठिन नहीं होगी। तो महाराजगंज में लाइव 24 के कार्यालय का उद्घाटन चल रहा है और उद्घाटन समारोह में एमडी प्रमोद ठाकुर मौजूद हैं, उनके साथ यूपी की हेड भी मौजूद हैं। सफलताओं के पथ पर अग्रसर है लाइव 24। पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल और अब इसी के साथ महाराजगंज में भी एक और ऑफिस। लाइव 24 आप तक वो हर खबर पहुंचाता है जो देश हित में है। देश हित में लाइव 24 कार्य करता है और एक ही नारा देता है, सच का साथी। जो खबर सच्ची है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। खबरों को छांटा जाता है, सही खबर को चयन किया जाता है और चयनित होने के बाद खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। लाइव 24 का समारोह चल रहा है, उद्घाटन समारोह चल रहा है महाराजगंज में और कुछ ही देर के बाद कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि चैनल के एमडी प्रमोद ठाकुर मौजूद हैं और उनके साथ यूपी के ब्यूरो हेड भी मौजूद हैं। लाइव 24 एक और कदम आगे बढ़ा है, सफलताओं के पथ पर अग्रसर है और दर्शकों के लिए ये अच्छी खबर है कि अब महाराजगंज में भी एक कार्यालय है लाइव 24 का, जहां से खबरें हमारे पास पहुंचाना और भी आसान हो जाएगा। देश में चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे में लाइव 24 का एक और ऑफिस महाराजगंज में सफलता की बात है। सफलताओं के पथ पर अग्रसर है लाइव 24। लाइव 24 सच का साथी, देश हित में समर्पित है लाइव 24। लाइव 24 आप तक वो हर खबर पहुंचाता है जो आपके लिए आवश्यक है, आपके जीवन को बदलने वाली है। और आपको बता दें कि प्रणय श्रीवास्तव की देखरेख में कार्यक्रम चल रहा है, साथ ही उनके साथ सीजे थॉमस भी हैं जिनकी देखरेख में कार्यालय चलेगा। महाराजगंज का कार्यालय सीजे थॉमस की देखरेख में चलेगा। इस क्षेत्र की छोटी बड़ी सभी समस्याओं का समाधान करके चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और आज मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ आप लोगों के उपस्थित होने का, हम लोग को यहाँ जो आयोजन बुलाया है मतदाता जागरूकता, तो अभी तो मैं समझता हूँ महाराज जनपद ने जितनी प्रगति किया है मैं समझता हूँ कोई ऐसा दिन नहीं था। बच्चों के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से यहाँ रैलियां निकलती रही हूँ और लोगों को गाँव गाँव जा करके लोगों ने जागरूक किया, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो या चिकित्सालय के लोग रहे हो, सब ने एक अभियान चलाया जिसमें जिला प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही है और यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट का यह स्टेटमेंट है कि हम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में महाराज को
मतदान के रूप मतदान का प्रतिशत जो है सर्वाधिक दिलाना चाहते हैं। 83% मैंने अखबार न्यूज यही है कि अब तक आसाम 83% मतदान हुआ है और महाराजगंज में 90% मतदान के रूप में यहाँ का जिला प्रशासन सक्रिय है और संकल्पित है। तो मैं समझता हूँ यह मतदाता जागरूकता जो अभी कहा गया लोकतंत्र में आगे हम सरकार का गठन करते हैं और किसके लिए होता है, आपके आपके द्वारा होता है, आपकी सरकार होती है और आपके लिए होती है। तो आपकी है सरकार तो आप अपनी सरकार का गठन करने के लिए स्वयं नहीं आगे आएंगे तो अपनी सरकार का गठन कैसे हो। तो इस लोकतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए और अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए निष्पक्ष भाव ईमानदारी के साथ बिना किसी धर्म जाति और क्षेत्र का विचार करते हुए आपका विवेक जो कहे उसका प्रयोग करते हुए आप एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें और इस मतदान के प्रतिशत को आगे बढ़ाएं और आप में यह कम से कम जागरूकता रहे भाई 5 साल बाद मुझे मौका मिलेगा, आज इसका उपयोग नहीं करेंगे 5 साल वेट करना पड़ेगा, वेट करने की आवश्यकता न पड़े और हम इसमें सक्रिय रूप से संकल्पित होकर इस मतदान के प्रतिशत को आगे बढ़ाएं और इस अवसर पर इस चैनल की प्रगति के लिए मेरी ओर से शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। और समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं अगले वक्ता के रूप में महाराजगंज के एक बेहद अनुभवी और जागरूक माननीय श्री के एम अग्रवाल साहब को मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि आप आए और संक्षिप्त रूप में इस विस्तृत विषय को आप अपने विचारों से बेहतर बनाए। महाराजगंज के संभ्रांत नागरिकों, लाइव 24 के चीफ एडिटर, उत्तर प्रदेश की प्रभारी, हमारे महाराजगंज सदर के विधायक डॉक्टर हरगोपाल श्रीवास्तव जी, काशी, आज दो विषय है। एक तो लाइव 24 की शुरुआत महाराजगंज जनपद से होने जा रही है, उसके कार्यालय का उद्घाटन है। सचमुच बहुत खुशी की बात है कि किसी चैनल ने उनमें से लाइव 24 ने महाराजगंज की तरफ ध्यान दिया है और आज से वो यहाँ काम शुरू कर रहे हैं। मीडिया की बात है, क्योंकि मैं भी मीडिया से 25 साल तक जुड़ा रहा हूँ, प्रिंट मीडिया से, कुछ कहना जरूर चाहता हूँ। आज मीडिया की जो दुर्गति है, क्यों दुर्गति है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कहने में कि आज देश का चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो 100% बिक चुका है। मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, इक्का दुक्का को छोड़कर आज बहुत दुर्दशा है इन सारे दोनों मीडिया की, ये हर तरफ से आरोप है, ये स्थिति है। हम उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से जो लाइव 24 है ऐसा जरा भी आरोप अपने ऊपर नहीं लगने देगा। दूसरी बात, मतदाता जागरूकता की आज बात है, एक महत्वपूर्ण चीज है। ये मन में प्रश्न उठता है कि आज ये स्थिति आजादी के 70, 71, 72 साल के बाद क्यों आ गई कि हमें घर घर जाकर मतदाताओं से कहना पड़ा भैया वोट देने जरूर जाओ, ये स्थिति क्यों आ गई। मैं तो इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ अपने सारे जनप्रतिनिधियों को जो अब तक हुए हैं। ये सारे के सारे जनप्रतिनिधि अगर काम करते होते तो शायद मतदान भी अधिक से अधिक होता। लोग उदासीन हो गए हैं इनके कार्यों से, एक शब्द कहूं मैं इनके निकम्मेपन से। जितने जनप्रतिनिधि हैं कोई काम करना नहीं चाहता, सब के सब अपना बनाना चाहते हैं, ये स्थिति है जिस कारण से मतदाता जागरूक नहीं है, उदासीन हो चुका है। ये लोकतंत्र
अंदर की लस्सी बात नहीं है, बहुत ही दुखद स्थिति है। ऐसे में हमें प्रयास करना चाहिए कि मतदाता जागरूक हो। जैसे कि हमारी एक बहन ने कहा कि सरकार चुनते हैं ये अधिकार है। भाई मेरे, हम सरकार नहीं चुनते, हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। इस समय जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, हम अपना सांसद चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं, सरकार नहीं चुनते, न प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन आज ये भी दुर्भाग्य है, एक ऐसी हवा फैलाई जा रही है कि आपको सरकार बनाना है, सरकार बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, सांसद नहीं बनाना है। हम ये नहीं देख रहे हैं हमारा विधायक जिसको हम चुन रहे हैं, क्या हमारा सांसद जिसको हम चुनने जा रहे हैं वो कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा होना चाहिए, तमाम बातें हैं। मेरी बातों को करते ही आप लोग पूरा मत मानिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके आज के इस अवसर पर विशेष रूप से शुभकामनाएं आप सब लोगों को, और ये लाइव 24 को, और हमारे अपने मित्र धामा साहब, प्रणव साहब, इन सबको खास करके धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं अगले वक्ता के रूप में हम लोगों के बीच में एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी आए और संक्षिप्त रूप से अपने विचार यहां रखें। एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव जी, गुरुजनों को मस्तक प्रणाम के साथ सभी का अभिनंदन करते हुए, पहले तो मैं लाइव 24 चैनल के लोगों को बधाई दूंगा कि यहाँ से उन्होंने यह चैनल शुरू किया। जो मूल समस्या है, बहुत ज्यादा इस विषय पे बातें हो रही हैं इस समय कि मत का प्रतिशत गिरते जा रहा है। जो मूल वजह है, हमारे समझदारी में कहीं न कहीं से एक कमी है, एक लगुना है जो इसके लिए जिम्मेदार है। और वो बात यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, अभी तक हमारे जो वक्ता है वो भी इन बातों को ही दोहरा रहे हैं। क्या हमको कोई मताधिकार मिला हुआ है? गुरुजनों को हमारे राजनीति विज्ञान के अध्यापक हैं, क्या ऐसा कोई मताधिकार हमको मिला हुआ है? ये कोई अधिकार नहीं है। नो वेयर प्रोवाइडेड इन लॉ यू हैव राइट टू वोट, नो वेयर प्रोवाइडेड इन लॉ। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप वोट देंगे। भारत के संविधान में यह लिखा है कि वोट से सरकार चुनी जाएगी। वोट नहीं देंगे, ये आप राइट टू वोट नहीं है, ये पावर टू वोट है। ये कोई ग्रांटेड नहीं है कहीं से, किसी कानून ने, किसी संविधान ने, किसी आदमी ने, किसी पॉलिटिकल सुपीरियर ने हमको ये पावर नहीं दिया कि हम वोट देंगे। वी आर द पॉलिटिकल सुपीरियर, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द पॉलिटिकल सुपीरियर, हु विल चूज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके मत का क्या मतलब है। ये कोई फ्रेंचाइजी थोड़ी ना है, वोट मिला हुआ है, आपका कोई मताधिकार मिला हुआ है। तो जब आप इस बात को समझेंगे कि आपका यह जो पावर है, यह अर्जित अधिकार है, और यह अर्जित अधिकार, यह जो अर्न्ड पावर है हमारा, यह हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जिसको सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन नहीं कहा जाता है, वो मूवमेंट एक राष्ट्र बनाने का आंदोलन था, और उस राष्ट्र बनाने के आंदोलन के दौरान हमने जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल पावर गेन किया, वो पॉलिटिकल पावर था वन वोट एंड वन ओपिनियन, यानी हर व्यक्ति को एक मत और एक विचार रखने का अधिकार है। और इस एक मत और एक विचार रखने का अधिकार आपका अधिकार इस अर्थ में नहीं है कि किसी कानून द्वारा दिया गया है, ये आपका सुपीरियर पॉलिटिकल पावर है, और ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट में द मोस्ट सुपीरियर पावर। और इस पावर के ही बिना पे यह देश चलता है, इस देश की सरकार वैधता पाती है, इवन भारत का संविधान भी इसी के आधार पे वैधता पाया।
भारत की संविधान बनाने के लिए कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं चुनी गई थी, कहीं चुनाव नहीं हुआ था भारत के संविधान सभा का। लेकिन जब इस बात पर बहस हो रही थी भारत के संविधान सभा में, तो नेहरू और अंबेडकर दोनों ने यह बात कहा था कि जब भारत के पहले मतदान होंगे, पहली आम चुनाव होगा, तो यह माना जाएगा कि भारत की जनता ने इस संविधान को वोट के माध्यम से भी, जिसको बोलते हैं जनमत संग्रह के माध्यम से भी मान्यता दिया है। और भारत के संविधान में शुरू में ही लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग राइट टू वोट, हैविंग राइट टू ओपिनियन, हैविंग राइट, तो ये ऐसी चीज है कि जिसको आप किसी अधिकार के बतौर समझने का प्रयास न करें। यह आपका राजनीतिक अधिकार है और यह राजनीतिक अधिकार आपके जीवन को, आपके जीवन के हर क्षेत्र को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। और इस राजनीतिक शक्ति का, इस पॉलिटिकल पावर का आप पूरी समझदारी के साथ और पूरे एक योजना के तहत एक बेहतर भारत बनाने के लिए प्रयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में सदर विधायक माननीय श्री जयमंगल कन्नौजिया साहब हैं। मैं चाहूंगा कि आप आएं और आज के इस विषय पर एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम अपने विचार रखें। विधायक जी, एक शाम मतदाता के नाम, आज लाइव 24 चैनल के इस उद्घाटन के शुभ अवसर पे इनके पूरे टीम को मैं अपने तरफ से बधाई देता हूँ। और मेरे सामने बैठी हुई महाराजगंज की भाग्य विधाता, मेरे अभिभावक, सम्मानित मंच पे गुरुवर श्री हरिगोपाल श्रीवास्तव जी, एडिटर चीफ साहब, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, आज मैं उस शब्द में नहीं बोल सकता हूं जो हमारे बड़े भैया एम अग्रवाल साहब ने कहा है, मैं इतना जरूर कहूंगा इसी धरती पे प्रोफेसर सिप्पनलाल सक्सेना भी सांसद हुए थे और उसी धरती पे उसके बाद लगातार सांसद चुनते हुए आ रहे लोग। सब नहीं हो सकते हैं, हाँ कुछ हैं, ये तो मानता हूं, मैं भी विधायक हूं, मैं मान रहा हूं, पर कुछ हैं भ्रष्टाचारी, कुछ हैं जो देश को लूट के बर्बाद कर रहे हैं, पर उसमें सब नहीं है, कुछ तो ईमानदार है, इसीलिए देश आज हमारा चल रहा है। आज मैं 24 लाइव 24 के सारे पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं कि महाराजगंज की छोटी सी छोटी हो और बड़ी से बड़ी जो भी समाचार हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई हाई पॉलिटिकल, जो भी कोई बड़ा राजनीतिक व्यक्ति हो, कहीं से आपको कहीं कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। समाज में जो होता है, क्योंकि आप इस संविधान के चौथे स्तंभ है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इसलिए आपको निष्पक्ष भाव से बिना भेदभाव के अपनी बात को रखना है, समाज में आईना दिखाना है समाज को। इसलिए मैं आपको बहुत सारी बधाई देता हूँ कि आपका चैनल महाराजगंज में पहला कदम है, इसलिए आपको ढेर सारी बधाई, आपके पूरे टीम को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वक्ताओं के क्रम में अब मैं श्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, आप नहीं हैं अभी इस समय, तो मैं चाहूंगा डॉक्टर घनश्याम शर्मा सर
कि आप आए और अपने आशीर्वाद से हम सब लोगों को अभिसंचित करें। ऑनरेबल सर, सर भी नहीं है अभी, श्री हरिकेश सिंह जी आपको मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के आयोजन कर्ता के और सभी सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। दो शब्दों में अपनी बात कहूंगा। बनो भारत के भाग्य विधाता, अब तो जागो मतदाता। चूंकि मतदान के लिए जागरूकता के लिए कार्यक्रम है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी संस्था के नाम लिए, मैं न्यूज 24 की तरफ से, लाइव न्यूज 24 की तरफ से, महाराज की जनता की तरफ से और एक भारत के नागरिक होने की तरफ से मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करता हूं कि भारत के निर्माण में, भारत के संविधान में और भारत के हित में वोट प्रतिशत बढ़ाएं और आगे जाके एक मजबूत देश का निर्माण, मजबूत सरकार की निर्माण करें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू सर। अब मैं वक्ता के रूप में महाराजगंज से शासकीय अधिवक्ता ऑनरेबल एडवोकेट अवनीश नारायण त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनके विचारों के लिए। ऑनरेबल एडवोकेट सर, मंचा सेन लाइव 24 चैनल के चीफ, यहाँ उपस्थित हमारे सदर विधायक माननीय जयमंगल कन्नौजिया जी, उत्तर प्रदेश लाइव 24 के चीफ उत्तर प्रदेश सुश्री दीक्षित जी, हमारे आदरणीय गुरुवर डॉक्टर हरिगोपाल श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित महाराजगंज नगर के सम्मानित नागरिक बंधुओं, मैं अपने चीफ साहब को ये बता दूं लाइव 24 के कि महाराजगंज जनपद में मतदाता जागरूकता के लिए यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं, खास तौर से जिला अधिकारी महोदय, उनके सहयोगीगण, तमाम विद्यालय के बच्चे, अध्यापक, समाज सेवी, इन लोगों ने अथक प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और इसके लिए आप इसका सकारात्मक देखेंगे परिणाम भी। जहां तक रह गई आपके चैनल की, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं सर, यहाँ तमाम समस्याएं हैं और सारे जनप्रतिनिधियों ने अपने ढंग से समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया है। कुछ तो मजबूरियां ही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होगा सबके सामने, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि महाराज नगर या जनपद में तमाम समस्याएं, इसके लिए हम लोगों को एक महाराज नगर में एक सिटीजन फोरम का गठन करना पड़ा जिसमें हमारे सदस्य हैं लगभग 100-150 लोग और हम महीने में एक दो बार मीटिंग भी करते हैं और उन समस्याओं को लेकर के हम अपने जनप्रतिनिधियों के पास भी जाते हैं और बहुत सारी समस्याओं को हल कराने में हम सफल भी हुए हैं। इसी नगर के तमाम गणमान्य लोग हमारे सब लोग मेंबर हैं, विभिन्न क्षेत्रों से लोग हैं। आज आपका लाइव 24 उन समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को एक सशक्त माध्यम मिल गया है। निश्चित रूप से आप हमारी समस्याओं को आप प्रदेश स्तर तक, देश स्तर तक, हमारे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस नगर के हमारे माननीय विधायक जी हैं, मैं
उनके मुंह पर क्या तारीफ करूं, उनका प्रयास चल रहा है कि जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो और हर गांव का दौरा करना, हर समस्याओं को सुनना, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं विधायक जी से भी कहता हूं कि आप निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहिएगा कि आने वाले दिनों में महाराजगंज और प्रगति करें, और इसके साथ न्यूज़ 24 को मेरी हार्दिक बधाई। जैसा कि आपका स्लोगन है सच का साथी, के अमर अग्रवाल जी ने कहा कि सच को निश्चित रूप से अन्य चैनलों की अपेक्षा आप महाराजगंज में सशक्त चैनल बनाएंगे। हमको गर्व हो कि आज हम इस चैनल के उद्घाटन कार्यक्रम में आए थे। जब भी आपका चैनल देखें तो हमारा सर चौड़ा हो जाए। तो सच्चाई को सामने रखिएगा, इस महाराजगंज जनपद की समस्या हो चाहे कहीं की हो, आपको मेरी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जैसा कि कार्यक्रम में आप धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे एक गर्माहट की ओर बढ़ रहे हैं, संकेत ये मिल रहा है कि मतदाता जागरूकता के विषय पर आयोजित इस सेमिनार में हमको लाइव 24 से अपेक्षाएं कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। ये त्वरित अगर आकलन किया जाए तो वक्ताओं के द्वारा जो बातें आ रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे मतदाता जाएगा ही, वोट डालेगा ही, 100% होगा ही, लेकिन जरूर एक कोशिश कहीं ना कहीं ये दिख रही है कि यहां समस्याओं का अंबार है और इन समस्याओं से निदान का हमें लाइव 24 पर एतबार है। ये निकल के सामने आ रहा है। मैं ज्यादा समय लेते हुए हमारे बीच में डॉक्टर एस के बराबर हैं, मैं चाहूंगा कि आप आए अपने विचार रखें। और डॉक्टर वर्मा साहब, शायद हमारी पहली मुलाकात ये होगी क्योंकि फेसबुक के माध्यम से हम दोनों लोग जुड़े रहे हैं। अभी श्रीवास्तव में निचरौल से आपका तमाम सारा आमंत्रण मुझे मिला है, मैं उसके प्रति आभार भी ज्ञापित कर रहा हूँ। हमारी ये पहली मुलाकात हो रही है। सो स्पेशल थैंक्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस प्रोग्राम दैट वी आर मीटिंग नाउ। आई एम वेरी हंबली इनवाइटिंग नाउ डॉक्टर एस के वर्मा, प्लीज कम ऑन प्लीज। ठाकुर जी, हमारे सदर विधायक जयमंगल कनौजिया जी, हरि गोपाल श्रीवास्तव जी, यहाँ आए हुए गण, आज सबसे पहले मैं लाइव 24 को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने महाराजगंज में अपना ऑफिस खोला। जैसा कि वक्ताओं ने भी कहा है, मानती है कि पत्रकार प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, और मैं समझता हूं कि ये चौथा स्तंभ लाइव 24 के माध्यम से और मजबूत होगा। और कोई है कि हम सबको भ्रष्ट समझें, अगर सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे तो इस दुनिया में चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी करेगा पूरी ईमानदारी से करेगा। पत्रकारिता समाज का दर्पण होती है, समाज को झलकना चाहिए उनके माध्यम से। तो लाइव 24 का एक और कार्यालय होगा जो कि महाराजगंज उत्तर प्रदेश में होगा। आपको महाराजगंज के बारे में बताते हैं, महाराजगंज भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है और जिले का मुख्यालय है महाराजगंज।
भारत नेपाल सीमा के काफी करीब स्थित है। साथ ही आपको बता दें कि महाराजगंज को कारापथ के नाम से भी जाना जाता था। कुशीनगर जिले के पश्चिम में है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो 2 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर महाराजगंज जनपद अस्तित्व में आया था और अब महाराजगंज में लाइव 24 का उद्घाटन हो रहा है। हालांकि अगर प्राचीन भारतीय साहित्य की बात करें तो इस क्षेत्र का कम ही उल्लेख मिलता है, लेकिन तर्कपूर्ण अनुमान का आश्रय लेते हुए ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोतों की समीक्षा के बाद इस जनपद का इतिहास निर्विवाद रूप है। 2 अक्टूबर 1989 को महाराजगंज जिला अस्तित्व में आया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर महाराजगंज अस्तित्व में आया था और अब महाराजगंज में लाइव 24 का उद्घाटन समारोह चल रहा है और उद्घाटन समारोह के साथ ही एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है मतदान के लिए। देश में चुनावी माहौल बना हुआ है, 5 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, अब 6वें और 7वें चरण के चुनाव बाकी रह गए हैं और इसी के तहत महाराजगंज में एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न अतिथि अपना अपना दृष्टिकोण लोगों के साथ बांट रहे हैं, वो क्या सोचते हैं और देश के लिए उनकी क्या भावनाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में अपना उद्बोधन किया है। आपने देखा कि महाराजगंज के विधायक ने भी एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम संबोधन किया है, लोगों को जागरूक करने की एक पहल की है। 2019 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव 7 चरण में चल रहे हैं और इन 7 चरणों में से 5 चरण अभी तक पूरे हो चुके हैं। वहीं कल यानी कि 12 मई को 6वें चरण के चुनाव होने हैं और 6वें चरण के चुनाव के पहले महाराजगंज में लाइव 24 का उद्घाटन हो रहा है। महाराजगंज में लाइव 24 का उद्घाटन समारोह चल रहा है। बेहतर भारत के निर्माण में लाइव 24 अग्रसर है और साथ ही सफलता के पथ पर भी लाइव 24 अग्रसर है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि लाइव 24 के एमडी प्रमोद ठाकुर और यूपी के ब्यूरो हेड सुकीर्ति दीक्षित भी मौजूद हैं। वहीं कार्यालय के उद्घाटन के पूर्व एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लोगों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने की पहल की जा रही है। महाराजगंज गोरखपुर के पास पड़ता है। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद 2 अक्टूबर 1889 को यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर अस्तित्व में आया, माफ करिएगा 2 अक्टूबर 1989 को यानी कि उनके जन्मदिन के 100 वर्ष और कह लीजिए 120 वर्ष बाद। अस्तित्व में आया था महाराजगंज और महाराजगंज में लाइव 24 का उद्घाटन चल रहा है। महाभारत में भी वर्णित है कि युधिष्ठिर द्वारा संपादित राजसूय यज्ञ के अवसर पर भीमसेन को पूर्वीवर्ती क्षेत्रों को विजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था और भीमसेन ने गोपालक नामक राज्य को जीता था जिसके बांसगांव स्थित गोपालपुर के साथ स्वीकृत किया जाता है। वही वर्तमान महाराजगंज जनपद का दक्षिण भाग है। यानी कि अगर हम भारतीय शास्त्रों की बात करते हैं तो भारतीय शास्त्रों में भी महाराजगंज वर्णित है और राजसूय यज्ञ यहाँ पे कराया गया था। भीमसेन ने
गोपालगंज को जीता था और गोपालगंज महाराजगंज के दक्षिण में आता है। महाराजगंज में लाइव 24 का उद्घाटन चल रहा है। उद्घाटन समारोह में चैनल के एमडी प्रमोद ठाकुर मौजूद हैं, उनके साथ यूपी के ब्यूरो हेड भी मौजूद हैं। महाराजगंज अपने आप में एक ऐसी जगह है जिसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पुराना है कि वेदों में भी वर्णित है। हालांकि महाराजगंज नाम से जनपद आया अस्तित्व में 2 अक्टूबर 1989 को। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, लाइव 24 का उद्घाटन समारोह चल रहा है, उसके साथ ही एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है? चलिए, हमारा इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता रहे थे महाराजगंज के बारे में कि महाराजगंज का नाम 2 अक्टूबर 1989 को पड़ा, लेकिन वेदों में ये वर्णित है। महाराजगंज में लाइव 24 का उद्घाटन समारोह चल रहा है और उद्घाटन समारोह में एमडी प्रमोद ठाकुर भी मौजूद हैं, वहीं उनके साथ यूपी के ब्यूरो हेड भी मौजूद हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग है महाराजगंज। संजीव कपासिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, महाराजगंज में लाइव 24 का उद्घाटन समारोह चल रहा है, साथ ही एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम से कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जी, आप देखिए, लाइव 24 ने लगातार मीडिया के क्षेत्र में नए कीर्तिमान, नए आयाम स्थापित किए हैं और एक कदम महाराजगंज जनपद में आज जनपद कार्यालय के उद्घाटन किया है। नगर विधायक यहाँ मौजूद थे, लाइव 24 के एमडी श्री प्रमोद ठाकुर मौजूद रहे और महाराजगंज जनपद के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग लाइव 24 के जनपद कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहे। एक कार्यक्रम और आयोजित किया गया इस दौरान, मतदाता जागरूकता अभियान, क्योंकि 2019 का आम लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का महापर्व इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में, तो एक मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम भी लाइव 24 के ऑफिस के उद्घाटन के साथ साथ किया गया। तमाम बातें लाइव 24 की टीम और जनपद महाराजगंज के लोगों द्वारा कही गई। मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया और इसके अलावा सही नेता चुनने के लिए लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी। जी बताइए, लाइव 24 का नारा है सच का साथी, तो सच का साथ देते हुए जहां 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6वें और 7वें चरण के चुनावों के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, आप हमें बताएं कि लाइव 24 का महाराजगंज में जो उद्घाटन कार्यक्रम है, ये कितनी देर में कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा? 5 चरण मैं आपको बता दूं, 5 चरण उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पूर्ण हो चुके हैं। कल 6वां चरण का मतदान होना है और खासकर पूर्वांचल जो पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है वहां मतदान होना है। 7वें चरण का मतदान लास्ट मतदान होगा और आपको बता दूं कि प्रदेश कार्यालय का संजीव थोड़ी देर में हम फिर से आपसे बात करते हैं। अभी लाइव 24 के एमडी प्रमोद ठाकुर लाइव हैं महाराजगंज से, आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो जाएगी तब जाएंगे, कोई ना कोई तो है, कहीं ना कहीं तो है जहाँ सब जिंदा है। तो जो बंधु सज्जन मित्र यहाँ पर है, जिन्होंने समाचार पत्र सारे और चैनल सारे के सारे मीडिया जो है वो बिक जाती है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा जो है सभी के लिए एक उसमें ना आके
ईमानदार ईमानदारी रहेगा, ईमानदार की आप कलम को टिका नहीं सकते। वही साइकिल पे चल रहा है कोई नहीं, उससे जब भी बीजेपी से लू, कांग्रेस से लू, सपा से लू या कॉमर्शियल विज्ञापन लू, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे अवैध उगाही ये चीजें लाइव 24 में आपको नहीं मिलेंगी। और मैं अपनी टीम पर भी गर्व से कहता हूँ कि आपको मेरा अगर एक भी पत्रकार अगर ऐसा मिल जाए जो ये कहते हैं कि किसी ने पैसे लिए हो, तो सबसे पहले निकालने वाला सब मैं होऊंगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी एक एक पत्रकार पर अपने आप नजर रहती है कि कहाँ पर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब आप स्वयं में सही होंगे तब आप सामने वाले से उम्मीद कर सकते हैं कि वो सही होगा। और अगर 50 लोग 100 लोग आप टीम में रखते हैं तो अगर एक आध गलत आएगा तो उसे आपको हटाना पड़ेगा। तो एक तो मेरा आपसे जो वादा है कि आपके हर सच में मैं आपके साथ मिलूंगा, लैब 24 आपके साथ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो यहाँ की लोकल टीम है इसके आप संपर्क में रहिएगा, मेरा नंबर भी यहाँ पे होगा, वो आप ले सकते हैं और आपकी सारी खबरें चलेंगी, आपके सारे संघर्ष में हम आपके साथ ही होंगे। एक तो आपसे ये वादा है, दूसरा जब मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ तो मैं एक और आपको यहाँ पर चीज देके जाऊंगा। यहाँ पर आए हुए जितने भी भाई अगर व्यापारी हो और अगर वो अपने टीवी पर एड चलवाना चाहते हैं तो अगले एक महीने तक उनका विज्ञापन लाइव 24 पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। ये मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट है, मैं आज उनके शहर में आया हूँ इसलिए। उसका उनसे कोई चार्ज नहीं जाएगा, कोई उसमें TNC अप्लाई नहीं है। ये कल को आप आओगे साहब, आपने तो कहा था फ्री चलेगा, आप पैसे ले रहे हो, तो मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि आपको एक सिंगल पैसा नहीं देना अगले एक महीने तक। वो महीना शुरू कब से होगा, आज तारीख कितनी है, आज 11 तारीख है, मैं 20 तारीख से आपको टाइम दे रहा हूँ, 20 मई से लेकर 20 जून तक के बीच में अगर आपका जो भी मेरे पास में विज्ञापन आएगा 20 मई तक, 20 जून तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। जिस तारीख को भी आप दोगे 20 जून वो लास्ट डेट होगी, 20 जून तक टोटल विज्ञापन मैं अपने चैनल पर फ्री चलाऊंगा आपका, उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। ये होगा हमारे और आपके जुड़ने का एक विषय, साथ आने का, ठीक है। फिर तो मित्रता बढ़ेगी तो आगे एक दूसरे से सहयोग भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब आते हैं दूसरे विषय पर, जो दूसरा विषय आपका है मतदाता जागरूक अभियान। तो मतदाता जागरूक अभियान पर भी अभी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वाक्य वक्तव्य दिए, विचार प्रकट किए, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे विचार दिए और एक उन्हीं में से विचार आया था साहब जो है नेता लोग भ्रष्ट हो गए, इसलिए जनता जो है वो उदासीन हो गई और वोट करने नहीं जाती है। हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं जो कहूंगा अगर आप उससे हकीकत को मानते हो, अगर आपको लगे कि मेरी बात में कहीं सत्यता है तो हाँ करिएगा, वरना मेरी बातों पे भी आप मत जाइएगा। हम जितना ज्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा हम सोचते हैं कि हम AC में रहें, गर्मी में क्यों निकले, हमें हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। हमारी जो मेंटेलिटी है ना वो कहीं ना कहीं ये बनती जा रही है। हम ये नहीं देखते नेता भ्रष्ट है नहीं दे रहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आज जो सोशल मीडिया पर आप बारे युद्ध लड़ लेंगे, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, साहब इसको हटा दो, इस सरकार को हटा दो, इसको ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा युद्ध जो चलता रहता है वो सोशल मीडिया पे चलता रहता है। अब अभी किसी से ये कह दिया जाए दोपहर में आपको जाके 1 बजे वोट डालना है और 1 घंटा लाइन में लगना है, लाइन लंबी खड़ी हुई है, तो कहेगा यार मैं क्यों जाऊं, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। जो हमारी ये मानसिकता है ना हमें यही बदलना होगा, हमारे एक वोट से ही बहुत फर्क पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोग पुराने बैठे हुए, अटल जी की सरकार सिर्फ एक वोट से थी। तो हमें ये नहीं सोचना है कि गर्मी है, ठंड है, बरसात है या 19 तारीख को क्या मौसम रहेगा इस वजह से हम नहीं आएंगे। हमारा अपने संविधान में विश्वास है, देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने सांसद को चुनते हैं। तो सांसद चुनने का जो अवसर है आपके लिए 19 तारीख को है। लैब 24 की आपसे अपील है कि आप एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए अपने सुख को, अपने सारी चीजों को त्याग दीजिए और वोट करने जरूर जाइए, क्योंकि वोट करना 5 साल बाद आता है। अगर आप आज एक सांसद को चुन देंगे तो अगली बार उस सांसद को चुनने का नंबर आपको 5 साल बाद आएगा। अगर आप वोट करने नहीं जाते हैं और कहीं आप के अकॉर्डिंग वो सांसद नहीं चुना जाता है, कोई और चुन लिया जाता है, तब आपके पास एक अफसोस रहता है कि अरे सांसद ये चुन लिया गया, ये होता तो ज्यादा अच्छा काम करता, तो वो होगा कब,
वो होगा तो जब जब आप वोट करने जाएंगे, और आपसे मतलब है हम सबसे है। तो मेरी आपसे एक विनम्र विनती है कि 19 तारीख को जिस दिन आपके यहाँ वोटिंग है उस दिन मतदान करने जरूर जाएं, और अपने जितने भी दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, इष्ट विष्ट हैं, उनको सबको जागरूक करें। इसलिए जागरूक नहीं करें कि उनका कोई काम है, देश हित में अगर आप एक अच्छे प्रतिनिधि को भेजेंगे तो अच्छा काम करेगा, देश हित में काम करेगा। तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। आप योगदान को मत देकर भी पूरा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप बॉर्डर पे जाएं, वहां जाकर आप युद्ध लड़ रहे हैं तभी आपने राष्ट्र के नाम पे कुछ कहा है। अगर आप मतदान करने भी जा रहे हैं तो मत तो आपने सुना लाइव 24 के उद्घाटन समारोह में एमडी प्रमोद ठाकुर बोल रहे थे, और उन्हें अपने वक्तव्य में बताया कि लाइव 24 सच का साथी बात को सार्थक सिद्ध करता है, कोई भी पत्रकार कभी भी रिश्वत लेते हुए नहीं दिखाई देगा। साथ ही उन्होंने यहां पर व्यापारियों को तोहफा भी दिया है कि 20 मई से 20 जून के बीच जो भी व्यापारी उनके पास एड लेकर के आएंगे वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे, मुफ्त में चलाएंगे। वहीं मतदाता जागरूकता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है सारे नेता भ्रष्ट हो गए हैं, बल्कि बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग सोचते हैं मेरे एक मत से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन प्रमोद ठाकुर चैनल के एमडी का कहना है कि आपका एक वोट देश को बदल सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मौसम खराब होगा, पता नहीं दिन कैसा होगा और एक छुट्टी मिली है तो हम उसका उपयोग कर लें, तो ऐसा करने की बजाय हमें मतदान के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि महाराजगंज में लाइव 24 का उद्घाटन समारोह चल रहा है, और उद्घाटन समारोह के पहले मतदाता जागरूकता अभियान एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम से कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें काफी लोगों ने अपने वक्तव्य विचार विमर्श लोगों के बीच बांटे, लोगों को मतदान करने के लिए पहल की। वहीं चैनल के एमडी प्रमोद ठाकुर का भी मानना है कि आपके एक वोट से देश में बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान अवश्य करें। महाराजगंज में लाइव 24 का उद्घाटन चल रहा है, और वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ नेटवर्क समस्याओं के कारण हम आपको वहां से लाइव 24 के एमडी प्रमोद ठाकुर को बोलते हुए नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि लाइव 24 का जो नारा है सच का साथी, वो पूरी तरीके से सार्थक है, क्योंकि कोई भी पत्रकार या कोई भी मीडियाकर्मी जो लाइव 24 से जुड़ा हुआ है वो किसी भी तरीके से भ्रष्ट नहीं है। वहीं उन्होंने व्यापारियों को भी तोहफा दिया है, और व्यापारियों से कहा है कि अगर आप 20 मई से 20 जून तक किसी भी तरीके का कोई भी एड चलवाना चाहते हैं तो चैनल उसे मुफ्त में चलाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएगा, और इसमें कोई भी नियम और शर्तें लागू नहीं होंगी कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कहा और बाद में हमने पैसे मांगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहना है चैनल के एमडी प्रमोद ठाकुर का। वहीं मतदाता जागरूकता अभियान की बात करते हुए उन्होंने मताधिकार को जरूरी बताया है। तो लाइव 24 के दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है कि महाराजगंज में अब लाइव 24 का कार्यालय होगा। वहीं लाइव 24 के उद्घाटन समारोह के साथ ही मतदान जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम, और इसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने वक्तव्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए लाइव 24। नमस्कार।
हम हैं छोटे भैया। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो ईश्वर की वाणी है। ये विश्व के उन प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में हैं, जिनके पवित्र मंत्र आज भी बड़ी आस्था और श्रद्धा से पढ़े और सुने जाते हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान के ग्रंथ है। इसी धातु से विदित, विद्या, विद्वान। वेदों का महत्व। प्राचीन काल से भारत में वेदों के अध्ययन और व्याख्या की परंपरा रही है। वैदिक सनातन हिंदू धर्म के अनुसार आर्ष युग में ब्रह्मा से लेकर वेद व्यास और जैमिनी तक के ऋषि मुनियों और दार्शनिकों ने शब्द प्रमाण के रूप में इन्हीं को माने हैं और इनके आधार पर अपने ग्रंथों का निर्माण भी किया है। पराशर, कात्यायन, याज्ञवल्क्य, व्यास, पाणिनि आदि को प्राचीन काल के वेदवत्ता कहते हैं। वेदों के विदित होने यानी चार ऋषियों के ध्यान में आने के बाद इनकी व्याख्या करने की परंपरा रही है। फलस्वरूप एक ही वेद का स्वरूप भी मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के रूप में चार ही माना गया है। महाभारत पुराण आदि महान ग्रंथ वेदों का व्याख्यान के स्वरूप में रचे गए हैं। प्राचीन काल और मध्य युग में शास्त्रार्थ इसी व्याख्या और अर्थांतर के कारण हुए हैं। मुख्य विषय देव, अग्नि, रुद्र, विष्णु, मरुत, सरस्वती इत्यादि जैसे शब्दों को लेकर हुए। वेदवेत्ता महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार में ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान वेदों के विषय हैं। जीव, ईश्वर, प्रकृति इन तीन अनादि नित्य सत्ताओं का निज स्वरूप का ज्ञान केवल वेद से ही उपलब्ध होता है। वेदों के विषय। वैदिक ऋषियों ने वेदों को जन कल्याण में प्रवृत्त पाया। निसंदेह जैसा कि यथेमा वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, वैसा ही वेदा ही यज्ञार्थ मभिप्रवृत्ता कालानुपूर्व भयाभीताश्च यज्ञ तस्मादीन काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद सवेद यज्ञम। वेदों की प्रवृत्ति जन कल्याण के कार्य में है। वेद शब्द विद धातु में घन प्रत्यय लगने से बना है। संस्कृत ग्रंथों में विद ज्ञान और विद लाभे जैसे विशेषणों से विद धातु से ज्ञान और लाभ के अर्थ का बोध होता है। वेदों के विषय उनकी व्याख्या पर निर्भर करते हैं। अग्नि, यज्ञ, सूर्य, इंद्र, सोम, ब्रह्म, मन, आत्मा, जगत उत्पत्ति, पदार्थों के गुण, धर्म, दाम्पत्य, ध्यान, योग, प्राण जैसे विषय इसमें बारंबार आते हैं। यज्ञ में देवता, द्रव्य, उद्देश्य और विधि आदि विनियुक्त होते हैं। ग्रंथों के हिसाब से इनका विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसको दो प्रकार से बांटा गया है। प्रथम प्रकार में इसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। मंडलों को सूक्तों में, सूक्त में कुछ ऋचाएं होती हैं। कुल ऋचाएं 10,520 हैं। दूसरे प्रकार से ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। 8-8 अध्यायों को मिलाकर एक अष्टक बनाया गया है। ऐसे कुल 8 अष्टक हैं। फिर प्रत्येक अध्याय को वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्गों की संख्या भिन्न भिन्न अध्यायों में भिन्न भिन्न ही है। कुल वर्ग संख्या 2024 है। प्रत्येक वर्ग में कुछ मंत्र होते हैं। सृष्टि के अनेक रहस्यों का इनमें उद्घाटन किया गया है। पहले इसकी 21 शाखाएं थीं, परंतु वर्तमान में इसकी शाकल शाखा का ही प्रचार है। यजुर्वेद। इसमें गद्य और पद्य दोनों ही हैं। इसमें यज्ञ कर्म की प्रधानता है। प्राचीन काल में इसकी 101 शाखाएं थी, परंतु वर्तमान में केवल 5 शाखाएं हैं। काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैतित